नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग रात को सोने जाते हैं तो आज का जो टेंशन है उसे भी हम रात में याद करने लगते हैं, और कल जो टेंशन होने वाला है उसे भी हम लोग रात में ही सोचने लगते हैं। इनसे कितनी नुकसान है ये आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कितनी नुकसान है इनसे, और इन्हें सोचने से कितनी हमारी शरीर और कितनी हमारे दिमाग में कमजोरी होता है। नंबर वन, जब हम टेंशन में सोचते हैं और जगने लगते हैं तो जब हम रात को अधिक देर तक जगते हैं तो हमारा सर में दर्द चालू हो जाता है, और जब हमारा सर दुखने लगता है तो हम अपने पास जो दवाई पड़ा हुआ रहता है उसे खा लेते हैं, अन्यथा दवाई नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेके आराम से आके फिर खा के सो जाते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे खत्म नहीं होता है, और जब हम ऐसे 2, 3, 10, 15 या 1 महीने तक जगने लगते हैं तो सबसे बड़ा हमारा दिमाग में असर पड़ता है, और जब दिमाग में असर पड़ता है तो हम पागल की तरह करने लगते हैं। कुछ सोचेंगे पर उसे ख्याल नहीं रहता है, कुछ करना चाहते हैं पर भूल जाते हैं, कुछ सोच के भी नहीं कर पाते हैं, हम सोच रहे हैं करेंगे पर होता नहीं है, ये जगने से होता है, इसलिए जगो नहीं। दूसरी टेंशन है, अगर हम चैन से नहीं सोते हैं तो हमारा खाना जो हम खाते हैं शाम को वो पचता नहीं है, और वो जब नहीं पचता है तो उससे हमारा पेट भी दर्द होने लगता है, और जब पेट दर्द होने लगता है तो उससे गैस भी बन जाता है, और जब गैस बन जाता है तो फिर हमें उससे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे गैस बन गया, पेट इधर कभी दर्द, कभी इधर दर्द, कभी उसके चक्कर में सीने में दर्द आ जाता है, और धीरे धीरे ये हमारे किडनी तक पहुँच जाता है। इसलिए दोस्तों शाम को आराम से सोना, अन्यथा ऐसे नहीं कि जगते रहना। नंबर थ्री, जब हम अधिक देर से सोते हैं और सुबह जगते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है, और उस गुस्से में हम क्या करते हैं, अपने ही परिवार से, अपने ही बच्चों से, अपने ही माँ बाप से टेंशन ले लेते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, और उस टाइम जब झगड़ा होने लगता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करने लगता है, और जब दिमाग काम नहीं करने लगता है तो हम मारने की बात करने लगते हैं या घर छोड़ने की बात करने लगते हैं। तो इस टाइम आप सोचो कि जब हम मारने की बात करते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर छोड़ने की बात करते हैं फिर भी काम नहीं कर रहा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि घर वाले पे क्या बीत रहा है, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए जो आज हो गया सो हो गया, जो कल होगा वो कल होगा, उसके बारे में हम अभी सोच के अपना जिंदगी, अपना भविष्य, अपना शरीर को क्यों खराब करें। इसलिए दोस्तों जो भी है तुरंत जो काम करो उसे तुरंत सोचो, तुरंत करो उसे छोड़ दो, फिर कल जो करेंगे उसे कल सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे। रात है हम लोगों को सोने के लिए, आराम से सोएंगे, दिन भर जब कमाएं हमारा कुछ हुआ ही नहीं, कल कमाएंगे कुछ होगा ही नहीं, जो करना है हमें वो तो करना ही पड़ेगा, पर हम सोच सोच के अपनी स्थिति, अपनी शरीर को डाउन कर लेते हैं, और इस तरह हम कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने के बाद जब पूरा कमज़ोर हो जाते हैं फिर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, और जब काम नहीं कर पाते हैं फिर स्थिति वहीं पे आ गया, अगर काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, फिर वही टेंशन वही सोच आ जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी कर रहे हैं उसे अभी तक ही रहने दें, जो कल करेंगे उसे कल सोचेंगे, जो टाइम अभी हमारे पास बचा है उसे आराम से गुजारेंगे, इसे सोच के बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो, यह बात आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही सोच विचार वाला वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, और आपको अगर कभी मन नहीं लगे या कभी सोचने में मजबूर हो जाए, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो एक बार इस वीडियो को याद कर लेना कि ये गलत है, ये सही करना है मुझे। तो दोस्तों नमस्कार।